अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आपके अगर सैमसंग के मोबाइल को अगर पैटर्न लॉक या गूगल का आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको कैसे अनलॉक किया जाता है। तो वीडियो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी न्यू ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मेरे सामने एक सैमसंग का मोबाइल है, इसको सबसे पहले आप पावर ऑफ करेंगे। तो जो भी आपका सैमसंग का मोबाइल होता है उसमें साइड पे एक पावर बटन और दूसरी साइड पे वॉल्यूम अप डाउन की बटन होता है और दरमियान में एक होम बटन होता है। तो पावर ऑफ करने के बाद आपने करना क्या है, ये होम बटन प्लस जो है इसी के साथ आपने वॉल्यूम अप बटन और साथ ही पावर बटन जो है एक साथ प्रेस करना है। जब एक साथ प्रेस करेंगे तो एक लोगो सामने शो होगा सैमसंग का, फिर आपने पावर का बटन छोड़ देना है। मैं आपको प्रेस करके बताता हूँ कि वे फिर उसके बाद क्या होगा। मैंने प्रेस कर दिया बटन, अब इस तरह से आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये कैमरा थोड़ा मेरा मोबाइल का सही नहीं है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अभी सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीबूट सिस्टम नाउ, तो ये खाली रीबूट करने के लिए है। उसके बाद उसके नीचे है अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, इस पर भी क्लिक नहीं करना। चौथे नंबर पे होगा आपका, इसको वॉल्यूम डाउन की से आप नीचे लेके आएंगे, आपको सामने ये पता चल रहा होगा। यहाँ पे लिखा होगा वाइब डाटा फैक्ट्री रीसेट, सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, आपका जो पावर का बटन होगा उसे प्रेस करेंगे, आगे मेन्यू में जाएगा, यहाँ पे आएगा लिखा हुआ डिलीट ऑल यूज़र डाटा, फिर से आप प्रेस करेंगे पावर का बटन तो इसमें से सारा कुछ रेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट के बाद नीचे है वाइप चैशे पार्टीशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो वाइप चैशे पार्टीशन हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये मेन्यू इसका फिनिश हो जाएगा आपने क्या करना है, रीबूट सिस्टम नाउ। अब चूँकि मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे फ़ोन पर पैटर्न लॉक नहीं लगा हुआ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जस्ट आपको मेथड बताने के लिए कि अगर आपके सैमसंग के मोबाइल को पैटर्न लॉक या गूगल लॉक लग जाता है तो उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं, इसको हार्ड रीसेट भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी मसला हो इसके मुतल्लिक तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।